अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई शूट माय वीडियोस। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे मैंने ये वाला लुक अपलोड किया हुआ है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना, सो प्लीज़ जाके चेकआउट करना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ईजी वाला लुक मैंने क्रिएट किया था ये। अच्छा, बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं, दीदी आप कौन से फ़ोन से शूट करती हो, दीदी आप कौन से कैसे शूट करती हो। एक लड़की ने तो मेरे को ये भी कमेंट किया था कि आप अगर ये वाला वीडियो डालते हो ना तो बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपके एक वीडियो से। सो आई होप हो, मुझे तो खुशी होगी अगर मेरे से अगर आप लोग तीन चार लोग भी इंस्पायर होते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी 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 बात होगी। सो उसके लिए कमेंट्स इतने आए, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। सो ये जैसे कि आपको पता है, ये मेरा न्यू सेटअप है, बिल्कुल न्यू है। हम लोग अहमदाबाद में शिफ्ट हुए थे, उसके बाद मैंने अपना न्यू सेटअप किया था लाइक स्वाति बमरा जैसे। सो वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ, पर गाइस आपको मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे शूट करती हूँ अपने वीडियोस। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड गाइस, इफ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपना न्यू पूरा सेटअप, अपना पूरा रूम ही चेंज किया हुआ था, पूरा मैंने अपना रूम चेंज कर दिया था, पूरा मैंने अपना नया सेटअप वगैरह बनाया था। सो मैं आपको समझा दूंगी कि मैं कौन से फ़ोन से शूट करती हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगी इस पे अलमीरा में फ़ोन दिखा दूंगी आपको, और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो अभी बज रहे हैं रात के 12:30, यू कैन सी रात के 12:30 बज रहे हैं, और अभी मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ ये वाली ड्रेस का। और मैंने सोचा मैं क्यों ना एक और वीडियो शूट कर ही लेती हूँ, शायद आप लोग को पसंद आ जाए। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला लुक दिखाऊंगी। ये लुक ना थोड़ा सा ऐसा है, लाइक मैंने ऐसा क्रिएट किया था पूरा सूट के साथ, और मेरा कैमरा, मेरा फ़ोन है ये रेडमी नोट 8, कवर को इग्नोर करना, बहुत गंदा कवर है, ख़राब हो गया है, सॉरी, बट रेडमी नोट 8 है मेरा फ़ोन। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना बैकग्राउंड जहाँ पर मैं बैठ के वीडियोज़ बनाती हूँ। सो गाइज, ये है मेरा बैकग्राउंड, यू कैन सी ये पूरा मेरा बैकग्राउंड है। यहाँ पे मैंने अपना सिल्वर बटन लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैंने एक अपनी लाइट लगाई हुई है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मेरा रूम है, रूम मैं पूरा आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, इतना हिस्सा मैं आपको बस दिखाऊँगी। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पीछे जस्ट एक विंडो बनी हुई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, कहीं पे कुछ नहीं था। यहाँ पे मैंने एक बेड रखा, ये है रिंग लाइट डिजीटेक की, और बहुत अच्छी रिंग लाइट है, इसके बिना तो मेरा काम होगा ही नहीं। ये ऐसे चालू हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, यहाँ से येलो कलर हो जाता है ऐसा वैसा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट लगवाई, ठीक है, ये बल्ब है, फोकस नहीं कर रहा, एनीवेज, फिर यहाँ पे मैंने एक अलमीरा ख़रीदी थी, अलमीरा की भी वीडियो मैंने डाली हुई है। सो फिर उसके बाद ये मैंने कर्टन्स मंगाए, ये अमेज़ोन के कर्टन्स हैं, आप देख सकते हो, विंडो वाले आ गए थे, मैंने मंगाए लॉन्ग वाले थे बट वो विंडो वाले आ गए थे, ठीक है। कर्टन्स है, काफ़ी अच्छे हैं, 3 सेट मैंने मंगाए थे, इसके पीछे विंडो है, इसके पीछे विंडो है, तो मैंने विंडो को ना कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक टेबल रखती हूँ, ये टेबल रखती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा ये वाला, यहाँ पर मेरा ये वाला ना पूरा ड्रॉ रखा हुआ है, ये ड्रॉ मैंने आप दिखाया हुआ है अपने वीडियो में पहले। यहाँ पे मैं जस्ट एक बुद्ध भगवान जी जो होते हैं ना वो रखती हूँ। अभी यहाँ पे फ़िलहाल 2 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी अमेज़ोन के हैं, ये तो यहीं से लोकल का मैंने ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे मेरा सारा भी मेकअप का जो भी मैंने किया ना पड़ा हुआ है, सॉरी गाइस, फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना सिल्वर बटन लटका दिया है, मतलब फिट करवा दिया था, और यहाँ पे मैंने एक ट्यूबलाइट लगवाई है अपना फेस में फोकस करने के लिए। और यहाँ पे बैठूँगी ना
तो ऐसे सामने लाइटिंग पूरी मेरे फेस पे पड़ती है और यहाँ पे बैठ के मैं शूट कर लेती हूँ अपना वीडियो। यू कैन सी पूरा ये मेरा बैकग्राउंड है, ये देखो। मैं यूज़ करती हूँ डिजिटेक की रिंग लाइट और माइक में यूज़ करती हूँ मोआनो ऐसे करके एक ब्रांड था इसका। ये मैंने ट्राईपॉड अलग से ख़रीदा हुआ है और ये रिंग लाइट काफ़ी अच्छी है, आपको 5000 में सब कुछ मिल जाएगा आपस में अगर आप मेरे जैसा बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो। इस साइड पे कॉर्नर पे अलमीरा रखी हुई है तो लुक बहुत डिसेंट वाला आता है। और इस साइड पे मैंने ये ड्रॉवर्स रखे हुए हैं, एक बुद्ध भगवान जी रखे हुए हैं। अच्छा दूर से देखना, सॉरी वो पिलो कवर इग्नोर करना गाइज। इस रिंग लाइट का प्लग मैं लगाती हूँ यहाँ से, यहाँ पे रिंग लाइट का प्लग लगता है, यहाँ पे मैंने एक अपनी लाइट फिट की हुई है मेरे फेस पे, जस्ट इसका रोशनी बिल्कुल पड़ती है। और एक लाइट मैंने यहाँ पे फिट की हुई है ताकि यहाँ से मेरे फेस पे रोशनी पड़े, ठीक है। सो ये है मेरा पूरा बैकग्राउंड, मैं यहाँ सामने बैठ जाती हूँ और यहाँ पर वीडियो शूट करती हूँ। मैं आपको दूर से थोड़ा समझा रही हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ कि यहाँ से देखो मेरा एंट्री होती है इस गेट की। सो इस हिसाब से देखोगे ना तो मेरा बैकग्राउंड कुछ इस हिसाब से पड़ता है। मैं अपना रूम टूर भी शेयर करूँगी, क्या मैं कहाँ रखती हूँ क्या, ये पूरा मेरा बैकग्राउंड है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने लाइट फिट की हुई है, यू कैन सी ऊपर से मैंने फ़िट करवाई है पूरी लाइट, ये देखो पूरी लाइट मैंने ऊपर से फ़िट कराई है, फोकस नहीं कर रहा है, ऐसे है पूरा मेरा सेटअप। गाइस आपको मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे वीडियो अपने शूट करती हूँ और कहाँ कहाँ मैंने लाइट वगैरह लगाई हुई है, आपको सब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत मैंने लाइट चेंज की। मैंने दूर से दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए, और अगर आपको अपना न्यू सेटअप चाहिए है या कुछ आपको चीज़ें समझ में नहीं आती कि दीदी मैं कौन सा फ़ोन लूँ, मैं दीदी कौन सा रिंग लाइट लूँ, तो आप ये ले सकते हो क्योंकि आप मैंने आपको सब दिखा दिया कि मैं कैसे शूट करती हूँ अपने वीडियोज़। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।